हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं सुनील सर। जैसा आप जानते हो, क्योंकि आप बार बार सर से मिलते रहते हो, सर आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। तो आज का हमारा सेशन जो रहेगा वो टाइपिंग पे रहेगा। जब भी हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक ही कमेंट करते हैं कि सर टाइपिंग साथ में करें या बाद में करें, साथ में करें बाद में करें। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि एक बात तो सुन लो, ढंग से पेपर तो पास कर लो। पहला टाइपिंग के चक्कर में हाँ पेपर पास क्यों नहीं हो सी। आ कहानी सेम की सेम सुनील सर, बात बिया हो रही है कि सर आरएस मेंस की साथ करें क्या। वो आरएस मेंस को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस दे देते कि आरएस प्री नहीं होता है फिर वो मेंस। हाँ इसलिए प्री वाला काम जरूरी है, मेंस भी जरूरी है, लेकिन प्री 100% जरूरी है, तभी तो मेंस के लायक रहोगे। बिल्कुल वैसे एग्जाम बिल्कुल पास होना जरूरी है, टाइपिंग बाद की बात है। तो सर इसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। बताइए आपकी क्या राय है और किस प्रकार से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। मेरा तो ये मानना है कि बच्चे जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस वक्त टाइपिंग का दिमाग में आना वर भी सही नहीं है। टाइपिंग वैसे ही है जैसे किसी एग्जाम में पहले से ही आंसर बता दिए और सब बच्चों को बोल दिया कि इनको याद कर लेना है, तो बिल्कुल कौन ऐसा मूर्ख बच्चा होगा जो उसको याद नहीं करेगा। तो टाइपिंग का यही है, जो पता ही है सामने जो चीज लिखी है उसी को लिखना है प्रैक्टिस करके, तो वो बिल्कुल सबके लिए आसान है। सब लोग करेंगे, एग्जाम पे ध्यान दें, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि जब आप टाइपिंग है वो आपकी रैंक तय करती है, एग्जाम है वो आपका सिलेक्शन तय करती है, ये सत्य है। बिल्कुल सर पुराने अनुभव सारे यही कह रहे हैं कि जिनका एग्जाम अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है, वो लटक पटक के जैसे जैसे करके टाइपिंग करके वो नौकरी लग गया। जिसका थोड़ा सा बुरा हुआ लेकिन अच्छा हुआ एग्जाम, तो हल्का सा कम नंबर आए, वो टाइपिंग थोड़ी सी अच्छी करके फिर अच्छी रैंक लेके निकल गया। तो ये पुराने अनुभव ये कह रहे हैं कि टाइपिंग आपकी रैंक तय करती है, पेपर आपका सिलेक्शन तय करता है, ये दोनों सच बात है और लोग इसको फॉलो करके सिलेक्ट भी हुए हैं। तो अभी टाइपिंग पे चर्चा करना या टाइपिंग करना, प्रैक्टिस करना, ये सब निरर्थक बातें हैं। अब जब आपको इतना इतना सिलेबस पढ़ना है उस वक्त आप चाहते हो कि आप टाइपिंग प्रैक्टिस करो, कोई सेंटर जाओ, ये बहुत निरर्थक बात है। इसके लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। जैसे SSC के अगर आप एस्पायरेंट होते तो हम जरूर ये बात बोलते कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसकी टेस्टिंग आप पहले हो जाती। लेकिन चूंकि आप LDC का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको पहले एग्जाम होगा, उसके बाद उस एग्जाम की आंसर की आएगी, फिर आपसे वो आंसर की को चैलेंज करवाएंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको एक शेड्यूल देंगे कि अब आपकी टाइपिंग होगी। ये इतना लंबा समय हो जाता है कि टाइपिंग के लिए एकदम पर्याप्त समय मिलता है। टाइप कोई भी आदमी 1.5-2 घंटे भी रोज प्रैक्टिस करता है तो करीबन करीबन 30-35 दिन में वो एकदम उस स्तर पे आ जाता है जब आप आगे प्रैक्टिस करके जो सिलेक्शन की लाइन में आ जाते हो। और टाइपिंग का जो 100 नंबर का जो दे रखा है पोर्शन, वो इतना खूबसूरत से डिफाइन कर रखा है। टाइपिंग में फेज जो सेकंड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, उसमें एक में तो जो हिंदी में टंकण होता है, दूसरा इंग्लिश में टंकण होता है। इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है वो कंपेरेटिवली हिंदी की तुलना में आसान होती है और हिंदी की थोड़ी सी मुश्किल रहती है उसकी। अपन हालांकि अब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन टाइपिंग जो बंदा टाइपिंग में बैठेगा वो करीबन 30-35 दिन अभ्यास करके हर कमजोर से कमजोर बच्चा, यानी जिसने बचपन से लेके आज तक कंप्यूटर को छुआ तक नहीं है, वो बच्चा भी 35 दिन अभ्यास करके टाइपिंग में अच्छी खासी स्पीड लाने लग जाएगा। तो टाइपिंग इस भर्ती का सिलेक्शन का मैटर नहीं है, टाइपिंग एक फेज है जिसको पास करके हमें अंतिम चयन तक पहुंचना है। तो टाइपिंग हर बच्चा कर पाएगा, हर बच्चे का जो जो बच्चा हर अभ्यास करेगा वो टाइपिंग में अच्छा कर पाएगा। उसमें दो दो फेज है, एक में वो आपकी जो स्पीड टेस्ट करेंगे, एक आपकी एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। एफिशिएंसी टेस्ट में वो हल्के फुल्के वो सवाल देके जैसे कैसे पेस्ट होता है, कैसे कॉपी होता है, एकदम आसान, उसमें बच्चे 50 में से 50 नंबर लेकर आता है। और स्पीड में जो बच्चा है वो अपने प्रैक्टिस से कितनी प्रैक्टिस करता है उस हिसाब से वो अपना स्कोर करता है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि एक इसमें मिनिमम स्कोरिंग रहती है, तो वो फेल ना कर जाए बच्चा, है ना, इस बात का ध्यान में रखना है। बाकी अभी एग्जाम के दौरान चूंकि ये चीजें चल रही है, तो एक बार आपको इस बारे में सोचना तक नहीं है कि टाइपिंग आएगी भी क्या। जैसे ही एग्जाम दे देते हो, आप अच्छा स्कोर करते हो, तो फिर आप टाइपिंग की तरफ आगे बढ़ते हो। बिल्कुल सुनील सर, मुझे याद है जब आपने एग्जाम क्लियर किया और उसके बाद आपने टाइपिंग दी थी और आपकी रैंक भी बहुत अच्छे से है। अब सर आपने कहा कि जैसे स्पीड वाला, जैसे हिंदी और इंग्लिश स्पीड है, बस यही चीज है जो थोड़ा सा अलग रहेगा कि यहाँ आपको 25 और 25 50 अंक का काम हो गया। तो ये जो 50 नंबर है इसमें से इसको स्कोर को बढ़ाना है। बाकी दक्षता वाले, एफिशिएंसी वाले तो बिल्कुल फ्री के हैं। मैंने भी 2015 वाला LDC टाइपिंग दिया था तो दक्षता में तो 50 में से 50 थे। तो मैं तो उस टाइम 15 वाली LDC में हिंदी में फेल हो गया क्योंकि
हमें भाई उस टाइम टाइपिंग करनी नहीं, लेकिन सीरियसली अगर कोई स्टूडेंट अगर इनमें प्रैक्टिस करता है तो ये तो मतलब फ्री फ्री वाले नंबर है 50, तो 50 तो स्टूडेंट आ ही जाएंगे। और सर आपने कहा बिल्कुल सही कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पास भी होता है ना तो 10 नंबर 40% के और 10 नंबर, तो सर 100 में से 20 नंबर ये, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पास होगा ना तो 100 में से 70 नंबर तो उसके आएंगे ही आएंगे। अब उस पे डिपेंड हाँ है कि 70 को वो आगे कितना हाँ लेके जाता है। सही बोल रहा हूँ सर? नहीं बिल्कुल सही बात है। और मैं ये इतनी आसान चीज है जिसकी अपन चर्चा करें, जो व्यक्ति अभ्यास करता है, कानों में लगाया ईयरफोन, अच्छे अच्छे गाने लगा दिए, रोज प्रैक्टिस करनी है, 30-35 दिन जो अभ्यास करता है, तो उसके नंबर 97, 98, 99 इस हिसाब के नंबर आते हैं, यानी हर बच्चे के नंबर आते हैं तो क्या सर यहाँ पे ये। 90+ का जो अपना टाइम मिलेगा 1.5-2 महीने, उसमें डेली 3-4 घंटे प्रैक्टिस करता है, थोड़ी बहुत शाम को कर लेता है, तो 90+ लाए जा सकता है? आराम से, है ना, तभी तो अपन इस पे इतना जोर नहीं दे रहे हैं। टाइपिंग हर बच्चा करता है, ये अभ्यास पे है, जितना अभ्यास करोगे उतना ही पाओगे। और 30-35 दिन का समय मिल जाता है, उसमें इतना अच्छा सा कि बच्चे को पता ही चल जाता है कि उसके एग्जाम में इतने नंबर है, अब वो टाइपिंग में अच्छा कर लेगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन है, तो हर बच्चा अपना उच्चतम देता है उसमें और पूरे प्रयास करके वो नंबर भी लाता है। पुराने भर्तियों का सारों का अनुभव ये बता रहा है कि टाइपिंग और इसमें जो टाइपिंग में नंबर उन्हीं बच्चों के कम आए जिनके पेपर में अच्छे नंबर थे और उनको पता था कि अपन का सिलेक्शन तो हो रहा है, जिन बिल्कुल। बच्चों के थोड़े से पेपर में कम नंबर थे उन्होंने टाइपिंग में अच्छा करके वो। और टाइपिंग सर मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे को आज 2015 वाली टाइपिंग आज तक याद है, और कीबोर्ड पे जैसे ही उंगलियां रखते हैं अपने आप बटन दबने लग जाते हैं। तो टाइपिंग सेंटर्स इतने आजकल, इतनी फैसिलिटी टाइपिंग स्पीड के लिए, स्टेनो की टाइपिंग होती तब तो सोचते कि यार स्टेनो की टाइपिंग है, नहीं बैठेगी। नहीं टाइपिंग, मेरे हिसाब से टाइपिंग का कोई मसला नहीं है, बच्चों को एकदम से ध्यान देना चाहिए कि उनका एग्जाम है, सिलेबस को कैसे करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आप नहीं सिलेक्ट हो गए तो कोई दूसरा सिलेक्ट हो रहा है ना, बिल्कुल उस चीज सर, को हमेशा ध्यान में रखना कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने को अपना सबसे सर्वोत्तम देखे और ये सिलेक्शन लेना है। टाइपिंग और ये चीजें बाद की चीजें, बड़ी स्मूथ है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, जो बच्चा अभ्यास करता है वो उसमें खूब सारा अच्छा स्कोर करता है। अब सर एक आता है टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर का बड़ा इश्यू है इनके, कि सर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें टाइपिंग के लिए, तो आप सॉफ्टवेयर के बारे में भी, क्योंकि सर प्रैक्टिस के लिए घर पे आने के बाद इनको सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, और एग्जाम वहां पे जहां इनकी टाइपिंग होगी वहां पे। सॉफ्टवेयर का सर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, प्लस इसके साथ साथ कि स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल के अंदर उसको कीबोर्ड भी मिल जाता है, सब चीजें मिलती है, एग्जाम हॉल का कोई मसला ही नहीं है, टाइपिंग पैटर्न सारा सामने है। मेन ये है कि अब उसको टाइपिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद घर पे आके प्रैक्टिस करनी होती है, सॉफ्टवेयर होता है, तो एक दो सॉफ्टवेयर के नाम भी होते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दो, वो आपके टाइम कौन से होते थे? हम जब इस टाइपिंग एग्जाम के लिए बैठ रहे थे तब 2-3 सॉफ्टवेयर मार्केट में चलते थे, एक कोई सोमना करके था, एक कोई सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर था, और बीच बीच में हम क्या जो गूगल करके और एक फ्री के ऊपर ऑनलाइन जो फ्री टाइपिंग के ऑप्शन रहते थे आते उससे हैं अभी भी अभ्यास कर आते हैं लेते सर। थे। हाँ कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ संसाधन इतने हैं कि बच्चा अगर तैयार है तो वो सीख जाएगा, इतना बिल्कुल आसान काम है ये, जो बच्चा अभ्यास करता है उसको ये मिलेगा। और बच्चा अभ्यास इसलिए करता है कि उसको नौकरी चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए वो अच्छे से प्रयास करेगा और सफल हो जाएगा। स्किल ही तो है, जैसे कोई और चीज सीखते हैं वैसे टाइपिंग है, वो अपन सर, दूर से देखते हैं ना, कोई कोई ऑफिस में बैठा है वो एकदम खटाखट टाइप कर रहा है, तब कोई दूर से जो कस्टमर आता है वो इस चीज को नोट करता है कि ये कैसे कर रहा है। सारी चीजें अभ्यास की है और बहुत आसान है, 30-35 दिन का एक प्रोसेस लगता है, उसमें डेली अभ्यास करें तो वो आदमी अच्छे से कर पाता है। बिल्कुल। तो सर टाइपिंग के लिए स्टूडेंट्स को मतलब आपका कहने का तात्पर्य यही है कि LDC एग्जाम तक, जब एग्जाम हो जाए आप श्योर हो जाओगे कि मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, वो आइडिया लग ही जाता है, क्योंकि यहाँ तो साफ पता भी है बिल्कुल सर, जो बिल्कुल पास हुई जिसके 80% मतलब 80 मार्क्स आ रहे हैं 200 में से, वो टाइपिंग के लिए इलिजिबल है, तो बच्चे को तो पता चल ही जाता है मेरे टाइपिंग में मार्क्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, फिर उसको टाइपिंग के लिए लग जाना बिल्कुल है, बिल्कुल तो आराम से अभी इसे तो दो ढाई महीने मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभी तो सोचना भी नहीं है कि इस एग्जाम में टाइपिंग होती भी है क्या, है बिल्कुल ना, सर, वो सारा इतना टाइम रहता है कि उसमें अभ्यास करके किया जा सकता है। हमारी भर्ती में सब लोगों ने ऐसे ही किया था। अभी आपको ध्यान में रखना है कि मैथ्स में कैसे स्कोर करना है, इंग्लिश में कैसे अच्छा करना है ना, जो बाकी साइंस का पोर्शन कैसे कवर करना है, इतना विस्तृत सिलेबस है उसको कैसे समेटना है, और वो सारी चीजें करनी है जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। पेपर में जो
अच्छे नंबर लाने के जरूरी है। मैं मेरी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस से होगा, टाइपिंग से सिर्फ आपकी रैंक तय होती है, और ये खूब सारे बच्चों ने किया है, क्योंकि जिसके पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं वो टाइपिंग में बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, इसलिए वो थोड़ा नीचे गिर जाता है, और जिसके पेपर में कम थोड़े से कम नंबर आते हैं वो टाइपिंग में अच्छा करके आगे निकल जाता है, तो उससे रैंक ऊपर नीचे होती है, सिलेक्शन आपका एग्जाम से होना है। तो एक बार जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि वो पेपर और सिलेबस को बहुत अच्छे से करे और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाके बैठे। ये भर्ती बहुत आसान भर्ती है कि अब बच्चों को छांट लिया गया है, और कुछ बच्चे जो छांटा गया उनमें से अलग अलग जगह नौकरी करने लग गए हैं, तो दिखने में वो 60-65 हज़ार बच्चे हैं लेकिन उतने हैं नहीं। अब वही बच्चे बच्चे हैं जो थोड़ा सा सीरियसली तैयारी करके अपना सिलेक्शन लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये बात आपने सही बोली। जूनियर अकाउंटेंट की बड़ी भर्ती 5,000, वहां पर भी स्टूडेंट्स चले जाएंगे, तो वही एलडीसी वाले जूनियर अकाउंटेंट में मेरे बहुत सारे नॉन है जो कॉमन एग्जाम दे रहे हैं, सीटी भी दोनों ही पास कर रखी है, तो जूनियर अकाउंटेंट में हो जाएगा तो वो यहाँ क्यों रुकेगा। तो एक गोल्डन बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है कि एग्जाम पास करना जरूरी है। अब एग्जाम में फेल हो गया तो फिर पता चलेगी टाइपिंग के लिए जो वैसे भी एलिजिबल नहीं है, और सीट खाली रहने की नौबत आ जाए, तो इस बात का विशेष कर ध्यान देना। बिल्कुल। बाकी बच्चे एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें, टाइपिंग का लोड ना लें, टाइपिंग बस सब बच्चे प्रयास करते हैं सब निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने फिर से अपना कीमती समय दिया और टाइपिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स के। और किसी स्टूडेंट के कोई कम डाउट हो कमेंट करना, सर खुद की आईडी से आपको उसका जवाब दे देंगे। बहुत सारों के मन में सवाल जवाब आते रहते हैं, पूछते रहना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, सर बताएंगे कि सेक्रेटरेट में जाने के लिए आपको क्या करना है ना, सचिवालय की जो बड़ी आरामदायक होती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम सेक्रेटरेट के ऊपर चर्चा करेंगे। वंस अगेन सुनील सर, आपका बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। ओ थैंक यू।